झुंझुनू में कार्यरत एक इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जयपुर निवासी महिला ने करनी विहार थाने में ये मामला दर्ज करवाया। महिला ने दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इंस्पेक्टर का नाम आपको बता दें, कुंवरपाल सिंह है, झोटवाड़ा के रहने वाले हैं इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, और झुंझुनू में मानव तस्करी सेल में वो कार्यरत है। कुंवरपाल सिंह की 2 साल से इस महिला के संपर्क थे। 2 साल पहले केस के सिलसिले में महिला से मुलाकात उनकी हुई, जान पहचान हुई। उस समय महिला थाने में तैनात थे कुंवरपाल सिंह, और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करनी विहार थाना अधिकारी पन्ना लाल ने यह जानकारी दी है। 2 साल से महिला से संपर्क उनके थे, मुलाकात हुई थी 2 साल पहले महिला थाने में जब वो कार्यरत थे। उस समय किसी केस के सिलसिले में इनकी जान पहचान हुई, उसके बाद अब महिला ने दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है करनी विहार थाने में। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए मनीषा, ये महिला है बिल्कुल, जो कि अभी फिलहाल पांचा वाला जो इलाका पड़ता है जयपुर का, वहां पर रहती है और मूल रूप से झुंझुनू की रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है उसके अनुसार देखा जाए तो जो FIR इन्होंने दर्ज कराई है महिला ने, उसमें जो आरोप लगाया है ये संगीन आरोप है। एक इंस्पेक्टर है जो कि अभी जो मानव तस्करी सेल यूनिट है उसके अंदर कार्यरत है, SHO है जिनका नाम कुंवरपाल सिंह है। क्योंकि कई थानों में उनकी तैनाती रही है, कार्यरत रहे तैनात कई थानों के अंदर। इससे पहले जब इस महिला से सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी तो जो कुंवरपाल है वो झुंझुनू के महिला थाने के अंदर तैनात थे, और उसी दौरान यहाँ पर जो महिला की इस इंस्पेक्टर से उसी दौरान किसी केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात है जो बाद में जाकर के एक दोस्ती में घट गई। और इसके बाद देखा जाए तो आप देखेंगे कि 2 साल से लगातार ये पूरा मामला चला आ रहा है, 2 साल से इस महिला के से इस इंस्पेक्टर के लगातार संबंध रहे हैं, और इसी बीच में इनके बीच में जो दुष्कर्म का जो मामला सामने आया वो अचानक से अब आया है, यानी जब इस महिला ने यहाँ पर आरोप लगाए, साथ में आरोपों के साथ मारपीट का भी मुकदमा दर्ज कराया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि एक मोबाइल को लेकर के पर्टिकुलर लड़ाई हुई थी, उस मोबाइल की लड़ाई के दौरान ही यहाँ पर महिला ने जो SHO है कुंवरपाल सिंह उसके खिलाफ यहाँ पर 376 का मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है, चूंकि एक खाकी के ऊपर एक दाग लगा है, SHO के ऊपर दुष्कर्म का मामला लग जाना तो अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि जो पुलिस लगातार जनता की सेवा में कार्य रहती है, आज वही पुलिस है उस पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खाकी पर एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो पन्ना लाल है CI है उनको फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, करनी विहार थाने के इंचार्ज है और वो इस पूरे मामले के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इससे जांच के बाद में यहाँ पर CI है जो SHO है कुंवरपाल सिंह उनसे भी पूछताछ की जाएगी, इसके अलावा महिला से दोबारा बयान लेकर के इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल फिलहाल जो बात सामने आई उसमें यह है कि जो CI है जो मानव तस्करी सेल के अंदर जो कार्यरत है कुंवरपाल सिंह, वो उनकी पोस्टिंग झुंझुनू के अंदर है लेकिन यहाँ पर जयपुर के भी वो रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इंट्रोगेशन कर रही है, इंट्रोगेशन के बाद सामने आएगा कि आखिरकार पूरा प्रकरण क्या रहा है और उसमें कौन दोषी रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें झोटवाड़ा के रहने वाले ये इंस्पेक्टर हैं और एक सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हुआ है। सभी जांच होने के बाद ही जो सच है वो निकलकर सामने आएगा।